तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, बाउज ब्लॉग में। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो है कि कैसे कैमरा को माउंट करें एक हेलमेट में। तो मैं आज आपको पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ कैसे माउंट करें, और एकदम सरल तरीके से, जिसको कोई भी आसानी से कर सकता है। और मोटो ब्लॉग में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है माइक का प्रॉब्लम, जिसका मैं आज सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। मेरे पास है आज GoPro 8 और दो माइक, एक है बोया का और दूसरा का मैं नाम भूल गया, जिसका मुझे 300 के अराउंड पर ही पड़ा था। आज मैं आपको दोनों माइक का साउंड भी सुनाने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपका कोई भी प्रॉब्लम है GoPro को लेकर वो प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को चाहिए एक हेलमेट, जो मेरे पास एक्जोर का है। और हेलमेट में आप ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये पूरा बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए, और उसके साथ ही ये जो है ये खुलने चाहिए, क्योंकि यहाँ खुलने से इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाता है। इसके मैं बारे में आगे बताता हूँ। और उसके बाद कैमरा, तो मेरे पास GoPro 8 है, और उसके लिए चाहिए एक कैमरा केस जो उलांजी का है। जो उलांजी का लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि इसके लिए एक यहाँ पे जो जगह दिया गया है, जो यहाँ पे एडाप्टर इजीली आ जाता है, वहाँ पे सेट हो जाता है, आपको अलग से कहीं लटकाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको चाहिए एक जे हुक, एक चीन माउंट जो यहाँ पे हेलमेट पे लगेगा, और चाहिए माइक। तो सबसे पहले मैं इसको कैमरा को इसमें डाल लेता हूँ, डाल ही लेता हूँ। और उसके बाद ये है एक माइक एडाप्टर जो कि आपका साउंड कैप्चर करता है। सेटिंग हो चुका है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। अब इसको रखते हैं साइड में। अब इसको मैं आपको इधर दिखाता हूँ इसको कैसे लगाना है। सिंपली इसको यहाँ पे रखो, इधर से इसको घुसाओ, यहाँ से ये इजी लॉक हो जाता है। जैसे कि इसको ये ओपन है तो इसको डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर देना है, ये लॉक हो जाएगा। तो इसको मैं पहले टाइट कर लेता हूँ दोनों को सेम। आप लोग देख सकते हो ये भी लग चुका है। अब मैं दिखाता हूँ इसको कैसे माइक को सेट करना है। तो ये जो कनेक्टर है उसको यहाँ डालना है, और उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे माइक एडाप्टर पे, और जो इसका ये है वायर वो यहाँ पे कैमरा का जो चार्जिंग पॉइंट होता है वहीं पे आपको ये सब पुश कर देना है। तो ये प्रॉपर सेटअप हो गया। अब यहाँ से ये जो माइक है काम करने लगेगा, लेकिन मैं इसको आपको मैं यहाँ पे कैसे सेट करना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फटाफट से मैं इसको मोड़ देता हूँ। यहाँ से आप लोग नाप लेना, जैसे कि क्या करना कि मैं इधर रखता हूँ तो ये जो आएगा वायर ये यहाँ तक आ जाए, ताकि यहाँ से आपका कैमरा रहे वहाँ से सेटअप आए। इसको छोटा मत करना, आप देख लेना अपने हिसाब से अपना। तो मैं यहाँ पे किसी चीज़ से बांध देता हूँ फिलहाल, ताकि मैं इसको अच्छे से भीतर में पूरा सेटअप रख सकूँ। ये जो है कहीं के लटकना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको बांध के मैं दिखाता हूँ कैसे मैं इसको अंदर रखता हूँ। माइक के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही परेशान था, कोई वीडियो ही नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं इसको अब प्रॉपर ढंग से मैं सेटअप जान चुका हूँ, वही मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे इसको खोलना है, ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो खोले उसको, ये जो माइक है उसको इधर से घुसा देना है और उधर पार कर लेना है। अब वो जो माइक तो पार हो गया है, और जो ये वायर बचा इसको भी आप अंदर डाल लो। अब जो है माइक उधर घुस चुका है, और ये जो वायर है इसको मैं अंदर कर लिया हूँ। अब मैं इसको इधर से मैं लॉक कर देता हूँ। अब ये जो है मेरा देख सकते हो, ये दोनों वायर यहाँ निकला हुआ है। ये जो माइक है वो यहाँ पे घुस जाएगा ताकि हवा का आवाज़ नहीं आएगा, और ये जो जुट जाएगा सीधे कैमरा पे। तो मैं वो भी लगा के दिखाई देता हूँ आपको। देख सकते हो ये लग गया, और ये लग जाएगा अब इस पे। अब ये हो गया, अब हम लोग इसको चलते हैं वहाँ पे टेस्ट करते हैं इसका माइक का साउंड कैसे आ रहा है। और उससे पहले मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। इसको मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं कैमरा का सेटिंग दिखाता हूँ।
जब यहाँ मैं माइक डालते हैं तो आपको मैं सेटिंग दिखाता हूँ इसका। इनपुट और आउटपुट में यहाँ पे ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड माइक है, इस चीज़ को चेंज मत करना आप। मेन दिक्कत मेरे को यहीं से हुआ था और बहुत परेशान होने के बाद माइक एडाप्टर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मेरा बहुत परेशान था। तो आपको स्टैंडर्ड माइक में ही रखना है। तो जो अभी का जो वॉइस आ रहा है ये कैमरा का है विदाउट माइक, तो इसमें तो कुछ अच्छा खासा आवाज़ आएगी नहीं। तो अभी स्लो में चल रहा हूँ क्योंकि हो सके आवाज़ अच्छी नहीं आ रही अभी, फिर अभी मैं स्पीड में चल के देखता हूँ और आप लोग जो है कैमरा में इसके साउंड आता है। इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे जो नॉर्मल माइक है, तो लास्ट में हम टेस्ट करेंगे कोया का। तो ये सुनिए, अब मैं सुनाता हूँ आपको। मैं नॉर्मल माइक को कनेक्ट कर चुका हूँ, अब इसका वॉइस सुनिए आप। मुझे पर्सनली मतलब बोया का जो इतना लंबा वायर देता है ना वो पसंद नहीं आया, बाकी माइक अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे को जो ये नॉर्मल जो माइक है वही मेरे को पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें लंबा वायर नहीं है और लगभग बात करें तो सेम ही आवाज़ आती है बोया और इसमें, और उसको भी सेटअप करवाना उसमें इतना लंबा वायर थोड़ा प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए मैं किसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ नॉर्मल माइक्स को ही। तो अभी हम लोग जाते हैं फिर टेस्ट करते हैं बोया का माइक। तो अब मैं फिर से वापस जो लास्ट जो बोया का माइक बचा उसको मैं लगा लिया हूँ, तो अभी उसका साउंड सुनो आप लोग कि उसका कैसा साउंड आता है क्या। तो परफॉर्मेंस में तो काफ़ी अच्छा रहता है बोया का माइक, लेकिन फिर भी आप लोग आवाज़ सुनो और कंपेयर करो तीनों में, विदाउट माइक तो कोई सीन ही नहीं है। तो सुन लिया, इतने में तो काफ़ी पता चल ही गया होगा कौन सा माइक कैसा काम कर रहा है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।